पानी देख रहे तुम लोग, और आगे पानी है तुझे कितना नहीं चलना मिल गया। अरे ले लो, स्वागत है नए ब्लॉग के साथ। कैसे आप लोग, उम्मीद करते हैं अच्छे। मैं बहुत ठीक हूँ, बढ़िया हूँ। मतलब सवेरे के बज रहे हैं 7 बजने वाले हैं, बाहर बहुत तेज हो रहा है। और हम मैं चूँकि नाय देखो एकदम रेड एकदम बढ़िया देख लो नाय लो, हमने झूठी नहीं कह रहे हम नहीं ना नहा चुके, पूजा कर चुके। अब तो हम विश्वास है पूजा कर ली मैंने, तो हम जा रहे हैं आगरा, हमारा सूट है लेकिन हम अकेले जा रहे हैं। कब्बू अकेले नहीं जाते, लेकिन कहाँ करें, कोई यह नहीं करे जा रहा। लेकिन मेरी आगरा पूरी फैमिली रहती है, ताऊ ताऊ के लड़का बिटिया सब कोई रात है, इस वजह से वो लोग वहाँ मिल जाएंगे। आज सूट है तो चलते हैं, फिर सूट करते हैं चल के, ठीक है चलो। भाई हम आ चुके हैं भैया स्टैंड पर, इतनी तेज देखो कोहरा, आज एकदम कहू तेली नहीं उठी, लेकिन आज उठे धुआं कर रहा था सारे। बस आया जल्दी जाए, लग तब तक ताप ले पीछे को जल्दी ना बजे, चले ठंड में मजे देखो पानी देख रहे तुम लोग, थोड़ी देर हाथ सेक ले तो सुबह चलते हैं। तो भाई बस में बैठ कर सर्दी इतनी सर्दी है, और कुछ सुबह नहीं है, मतलब जेब में से हाथ भी निकाले जा रहे इतनी सर्दी है। कितनी देर पहुँचे पहुँच के आप लोगों को बताया, ठीक है रास्ता पर तो मतलब सोची ब्लॉग बना रहे, ब्लॉग बनाते कैसे, इतनी ठंडी लग रही थी जहाँ में ब्लॉग व्लॉग कछु नहीं, जेब में ही हाथ कसे रहे कि ठंडा लग जाए, परेशान कर लो जिससे बात हो रही है और कहीं पे है। अच्छा ये तो मैंने भैया 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 बना रहे ब्लॉग ही करती हूं। राधे राधे, अरे भैया तुमने सही उधर परेशान कर लो, तुम्हें सामने खड़े दिखाई दे रहे थे, मैं एकदम देख नहीं गया था आगे, सबको नहीं देख सकता, यहां पे खड़े थे मेरी 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 चले लोकेशन पे। ये कहां पे है ये बता दीजिए ना, हम लोग आ गए फतेहाबाद रोड जेपी होटल सिनेमा 5 वर्ल्ड स्टूडियो, आप समझ गए तो आप कर लें। हेलो आप लोग कहाँ जा रहे हो, हम लोग ऊपर जा रहे हैं। सो गाइस मैं हूँ प्रिंस जेकेडी, और संजना जी ने ब्लॉग बनाया है, बड़ी खुशी मिली हमें संजना जी से मिलके, और बहुत बहुत धन्यवाद बोलूंगा संजना जी का कि संजना जी को मैंने लिया, संजना जी ने मेरी वीडियो में आई, ठीक है। तो आप लोग ब्लॉग को लाइक कमेंट शेयर कर देना। ओके डन, हेलो कपड़े चेंज हो चुके हैं, कपड़े चेंज कर ले, ठंड इतनी है बाकी सीमा नहीं है, कब कप कप करके मतलब समझ लो, जो ठंडे आम आई उसे कह रहे ठंडे आम, मतलब मम्मी अरे को मेकअप तो करना पड़ेगा, ठंडे हाथ हो या गर्म हाथ हो, बहुत ज़्यादा सर्दी की वजह बहुत है, और मुझे पता होता कि मतलब मुझसे अभी तो इनके ज़्यादा है, देखो देखो वही तो कह रहे हैं ना, अपनी मेकअप की दुकान खोल रही है अब्बा जी, हमारा चेहरा चेंज करके बाद दिखाएं थोड़ी देर हम कैसे लग रहे हैं, ठीक है। मैं हो चुकी रेडी, ये इतनी ठंड है सच में, थोड़े से पूरे दिन मैं धूप तो कोई आ ही नहीं, नहीं कहीं भी धूप आ रही, कैसे मेकअप लग रहा है, मतलब बहुत कम मेकअप कराती हूँ मैं, क्योंकि मैं मेकअप में बहुत गंदी लगती हूँ, इस वजह से जो आता है उसको सही बोला जाएगा, मेकअप में बेकार लगती हूँ लगती हूँ। अब जा रहा नहीं भैया, ठीक है नहीं इसी से चलते हैं, बहुत शांति मिल रही है, हिमालय लग रहा है कुछ खाने को मिल रहा है। हम लोग कहाँ कहाँ देख रहे थे, हम लोग उधर है उधर, वो तो चले। तो गाइस शूट स्टार्ट होने वाला है,
मतलब एक बज गया तब इन्हें सूट चालू करवा पाओ। भैया देखो मैं सकल लगा कर हूँ, कौन था मैं नहीं था यार, क्या करें यार सूट में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। वही तो कह रहे, एक बजे चालू करवा रहे हैं ये सूट, लेकिन मैं साथ ही चली जाऊँ सर, ध्यान रखना। तो सूट चालू करो, दिखाता आप उनको। तो बिजाल भैया करेंगे सूट, आप करेंगे सूट, भैया संगे काम करेंगे। लेकिन तुम लेट बहुत कर रहे। अच्छा मैं लेट आयो। अब जल्दी करवा लो। जा रहे हैं सूट की लोकेशन पे। सर बोलिए कुछ। मैं क्या यही बोलूंगा, बस सूट हम काफी अच्छे से कर रहे हैं। बाकी संजना जी को आप सपोर्ट करते रहिए और हमें भी सपोर्ट करते रहिए। बाकी देखते हैं सॉन्ग में क्या होता है, कैसा चलता है सॉन्ग, ऊपर वाले की कैसी कृपा रहती है हमारे सॉन्ग पे। थोड़ी देर में पहुंच जाता आप हमको दिखाए। भैया धूप लोकेशन ये लोकेशन के हिसाब से माई सैफई वाली रोड है, बिल्कुल ऐसी है ना। हाँ मैं कह तो रही हूँ, इनकी गाड़ी से है भैया, और अब इनकी गाड़ी पे रील बनाए हम। सोनू यादव, सोनू यादव अब रील बनाए, बात बहुत बढ़िया थी। आप लोग देखिए इंस्टाग्राम पर, और ऐसे ऐपी ऐसी लोकेशन है सिमटू सिमटू से, हमारे सैपी में सूट हुआ था अंसल भाई का, ऐसे सिमटू से में। अब सूट चालू करो सर, करवाओ जल्दी। थक चुके हैं, चेहरा की शक्ल की तैसी है, पूछो मत। आप सही लग रहे हो, आप कुछ काम करना पड़ रहा है? मैं काम बहुत करता हूँ, आपको ले गई मैं आया हूँ। तो अब तक है बहुत ज्यादा, थोड़ी देर में अब चालू होगा। भैया हार गए, मम्मी जब 3 बज गए, भूख लगी बहुत तेज, हम कुछ खाए हैं बाकी बात करें ना, हम तो नहीं, अब चलो जा रहे हैं। हार गए बुरी तरीके से, लग रहा कुछ है नहीं शरीर में। हे भैया सच्ची मोहब्बत हो ना तो यार क्या सूखा यार क्या गीला यार सब चलता है बाजार में, दोनों नहीं लेकिन देखे जाते, किसी से प्यार हो जाए तो सूखे बूढ़े देखे जाते हैं। हम लोग अभी कलाकृति पे जा रहे हैं शूट करने, ठीक है, हमारा इंट्रो हो चुका है पूरा सॉन्ग, हम वहीं पे अपना शूट करेंगे कलाकृति पे, फॉरन क्लब, जिसमें काफी इंग्लिश लोग आते हैं, तो वहाँ पे अपना शूट करेंगे और खतरनाक शूट होने वाला है। तो आप लोग संजना जी को सपोर्ट करते रहिए, उनके ब्लॉग को लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए, और हाँ चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना संजना जी का। हमें संजना जी से मिलकर बहुत अच्छा लगा है, अच्छा लग रहा है जैसे बताइए हो गया अभी नहीं अच्छी है। और कैसी लग रही है संजना जी? हाँ इन्होंने रेड किया है मुझे, देख लो बहुत आना जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। आप गाना गा रहे थे, गाना गा के सुना दो, कौन सा सॉन्ग सुनाया बताइए। अच्छा मैं अपना फेवरेट सुनाता हूँ, तेरे बिन अब न लेंगे एक भी दम, तुझे कितना चन्ना मेरिया, चन्ना मेरिया, चन्ना मेरिया, चन्ना मेरिया, चन्ना मेरिया, तेरे साथ हो जाएंगे खत्म। गाने गाने में अच्छे ही गए थे, डांस में तुझे कितना चाहे और हम। आप बताओ कितना अच्छा गाते हैं सर। यार ख्वाहिश है एक बॉलीवुड सिंगर बनने की, कोशिश कर रहे हैं, देखो आगे क्या होता है, ऊपर खुदा मालिक है। कोशिश करने वालों की भी आती होती है, कह रहा ना? यस मुझे रहता है। तुम ऐसी बात कर रहे हो? तो गाइस हम चल रहे हैं इधर उधर, मैं छोड़ दूंगी सच्ची बता रही हूं, उधर जाओ चल, मैं खाना खाने के लिए कुछ भी मिल जाए मुझे लग रही है। तो गाइस खाना आ चुका है, खाना खा रहे हैं, गाइस रोटी खत्म हो चुकी है, प्लेट खाली है, खाली प्लेट है। देखो बिल्कुल इसको ये दिखा दो, मेरे को कछु नहीं है, मतलब भूख इतनी लगी है तो रोटी कुछ नहीं पा रही। देखो इनके भी रोटियां हैं, रोटियां नहीं, जब तक आप रील्स बनाओ तब तक हम आपकी रोटियां खाएं। हां ले तो ठीक है खा लो, हां बाय। कुछ क्या कहूं सर, कहिए जिसको कहना कहिए। देखो मैं कहूंगा अभी बिलाल खाने में व्यस्त है, बिलाल कहने के लिए तो बहुत है, परेशान तो नहीं हुए।
कैसी बुआ है इनकी ये लोकेशन जहाँ में छूट रहे थोड़े से छूट रहे चल लेगा ये फ्रेंड है इंतजार कर करके जवानों सूट करती है इनका रोड सूट हुआ था थोड़ा गाड़ी वाड़ी का सीन था ऐसे ऐसे अब वो यहाँ पे हो जाएगा खत्म कर लास्ट है हाँ बस लास्ट लगे यहाँ पे दो तीन घंटे चार घंटे जो लगेंगे यहाँ पे लेंगे पूरा टूर यहाँ का ही है बस भाई हम पहुँच चुके हैं दूसरे लोकेशन पे तो अब कैमरा वाले भैया चैन लगा दीजिए नहीं कहते चैन लगा दे इधर आओ इधर आओ इधर आओ थोड़ा रह गया है अब कर ले आप खा जाता है ये लोग वीडियो ब्लॉग बना ही देता मैं तो गाइस टचअप हो रहा है अब इसके बाद ड्रेस चेंज तो कराया है ड्रेस चेंज करने के बाद दूसरा शॉट होगा फिर आपको दिखाए फिलहाल तो मैडम टचअप कर रही है गुस्सा में लग रही मैडम गुस्सा में क्यों नहीं गुस्सा हो गई इनसे इसलिए क्योंकि इनकी वीडियो मेरे से अच्छी नहीं बन पाई इसलिए ऐसा भी है हाँ जी चलते हैं सूट का कौन सा टेक लेने पता नहीं ये तो मुझे ही नहीं पता कौन सा टेक लेने जा रहे हैं वो तो सूट बारे भैया बताएंगे वो स्वेटर लगा रहे हैं सॉन्ग कराएंगे सर्दी लग गई संजना जी को मुंह से धुआं निकल रहा है लाइक कमेंट शेयर कर देना तभी संजना जी की सर्दी दूर होगी नहीं तो संजना जी को सर्दी लगती रहेगी सही बात है लास्ट है क्या मतलब सर 1 2 3 एक्शन सर देखना प्लान पे देखना ये देखना वाइट पे पकड़ा ये वाइट पे लेट कर रहे हैं पूछ मत लोग घंटा से खड़े यार कुछ मजबूरी का नाम महात्मा गांधी होता है यार इन्होंने कहा था जल्दी फ्री कर देंगे नहीं मैंने 11 बजे तक का बोला था बट इन्हें 8 बजे फ्री कर दूंगा मैं कोई नहीं बाकी 2-3 घंटे में रह जाएंगे झूठ बोलते हैं माफ कर दिया और इस लोकेशन का जो है शूट हो चुका है कंप्लीट हम जा रहे हैं स्टूडियो पे थोड़ा शूट रह गया है उसके बाद घर पे बहुत ठंड है मर गए तो माइक सब पूरा बैग को लेके बैग तो मिल गया बैग लिया फटाफट जाके ये था लोकेशन देख लो आप लोग जो लोग ऐसे है मेरे ब्लॉग में कुछ बोलते नहीं है पता नहीं क्या है जल रहे हैं उससे नहीं ऐसा जल नहीं रहे हैं काफी सर्दी लग रही थी इनको तो सोचा थोड़ा आग वगैरह जला दें नहीं रह गया था वो आ गया फोन ना टूट जाएगा ना नहीं टूटेगा कैसा लग रहा है आपको बहुत अच्छा लग रहा है शूट करके ठीक है और शूट आज हो गया खतरनाक तरीके से आगे संजना जी ब्लॉग में आपको बहुत कुछ दिखाई रही है और क्या बोल दिया बस तो गाइस सूट हो चुका ओवर और फोटो शूट हो चुका है इनके साथ काम करके हमको बहुत अच्छा लगा लेकिन ये नहीं बहुत इन्होंने बहुत लेट किया सर हमारा ब्लॉग चलो मतलब कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं है आज काम करके ऐसा था बढ़िया लगा अच्छा तुम्हारे भाई साथ में भाई नहीं है भतीजे हाँ तो दिखा चुकी हूँ मैं कैसा लगा
आपके साथ सूरतन का था ना, मेरा होगा तब देख लेंगे। ले भैया बोले चाले क्या सुनो, मुझे पूछ रहे हो। वो तो आप बोले चाले की वजह से तो आप चले रहे हो, बहुत अच्छा लगा। अच्छे लग रहे चाहिए। एक मिनट रुको, एक मिनट रुको। अल्लाह मिष्टी आई, मिष्टी बहुत परेशान आती, हमने मिलवे कहा जाए तो भैया चाय बिस्कुट नमकीन सब कुछ हुआ है, तुम खाओ भाभी पहले पियो। सॉरी चलो आप भी शुरू करो। हाँ शुरू करें, चल लल्ला ले के आए। हाँ नहीं इनके दोस्त अच्छे हैं, सीधे हैं बिल्कुल। कह रहे आप नमस्ते नमस्ते बेटा नमस्ते, मैं देखा ही रहते थे पता नहीं गाड़ी दिखाई गई तब अमन ने पहले। नमस्ते पापा नमस्ते। अब सही है, अब सही से सुनिए। तो भैया घर आए बहुत थक गए, पूछो मत ही, सूट बहुत अच्छा हुआ, नंबर सूट हुआ है। बस जो है कि आप लोग सॉन्ग को सपोर्ट करो, यही उम्मीद करते हैं आप लोगों से। इतनी मेहनत की थी ठंड में, हम सब मतलब वीडियो बनाते हैं लेकिन तुम लोग सपोर्ट नहीं करते। अब जाओ वालों को यहीं एंड कर रहे हैं, और तब तक लाइक कमेंट शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर लियो। तो मम्मी मम्मी का समझो, चैनल को सब्सक्राइब कर लियो। अरे ना भैया जब मन हो तो कर लेना, तो कोई बात नहीं, अगर मैं अच्छा लगा तो कर लेना। ठीक है, मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग से, तब तक वी लव यू ऑल।